प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके तहत कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश संगठन महासचिव महेश शर्मा, सचिव राजेश चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गरीबों की आवाज केंद्र सरकार तक स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत पहुंचाने का कार्य किया। केंद्र सरकार को आयकर की सीमा में नहीं आने वाले लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मास्टर आदित्यनाथ जी की पुण्यतिथि पर हमने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज ही के दिन हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्पीक इंडिया के नाम से हमने एक कैंपेन चलाया है, जिसमें गरीब प्रवासी मजदूरों की मांगों को उठाने के लिए जो अभी कोरोना के संकट में परेशान हैं, देशवासियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने आज 11 बजे से 2 बजे तक लाइव रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से और आम जनता की आवाज़ को सशक्त करने का काम किया।